आवाज नहीं। बड़ा दिन हो गया पंचवटी की ओर गए। हरे राम संभाल कर आज पंचवटी। चला चलते रहो चलते रहो। मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ मालने आले बेली, चली आई मैं अकेली बिना दूर के। मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ मालने आले बेली, चली आई मैं अकेली बिना दूर के। पंचवटी की ओर प्रस्थान करती हूँ। बड़ा दिन हो गया पंचवटी का हाल है। चलो चलते हैं पंचवटी की ओर। पंचवटी पूरा शांत, मेरे राक्षस भाई कहाँ है? बाकी सब कहाँ है? कोई दिख क्यों नहीं रहा है? पंचवटी का क्या हाल है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है? मैं क्या करूं? चलती हूँ आगे की ओर, पंचवटी में चलती हूँ, देखती हूँ क्या हाल है। पंचवटी में राजकुमार, ये वेशभूषा से रिसीवर और अस्त्रों से युवराज लगते हैं। क्यों ना मैं इनसे विवाह कर लूं? हम दोनों का स्वरूप इस जग में सबसे सुंदर होगा। हे बड़े तपस्वी, बात मेरी मानो हे जंगल के वासी, बात मेरी मानो हे जंगल के वासी, बना लो दास मुझे चरणों में। मेरी मानो ए जंगल के वासी, बात मेरी मानो ए जंगल के वासी, बना लो मुझको ए जंगल के वासी। पूरा न होगा ओ पूरा न होगा हर विज तेरा ये सपना, ओ देवी जी मान लो तुम मेरा कहना, ओ देवी जी मान लो तुम मेरा। देखो मेरे साथ है सिया सुकुमारी, हमें ना पसंद आए बातें तुम्हारी। साथ है सिया सुकुमारी, हम
में ना पसंद आए बात ये तुम्हारा हरगिज न होगा ओ, हरगिज न होगा पूरा तेरा ये सपना ओ देवी जी मान लो तुम मेरा करना देवी जी मान लो तुम मेरा करना जाओ 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 तुम लखन के पास जाओ अगर वो चाहते हो उनसे शादी तुम रचाओ जाओ 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 तुम लखन के पास जाओ अगर वो चाहते हो उनसे शादी तुम रचाओ मुमकिन नहीं है मुमकिन नहीं है मेरे संग में रहना ओ देवी जी मान लो तुम मेरा कहना ओ देवी जी मान लो तुम मेरा कहना मुझे आपके साथ ही रहना मैं नहीं बात मानती निकल चल बे तो के लेके सवर को निकल चल बे तो के लेके सवर को निकल चल बे तो के लेके तो के सवर को हो तो के सवर को सवर को हो तो के सवर निकल चल बे लेके तो के सवरिया निकल चल बे तो के बहुत करिए भैया हम के ना कहिए बहुत करिए भैया हम के ना कहिए बहुत करिए हम के भैया ना कहिए बहुत करिए हम के का करिए भौजी हम के का कहिए का करिए हमें भौजी का कहिए बहुत कहिए हम के नल देना बोलिए चल चल बैठो के लेके सवर को चल चल बैठो के सवर को अब तो मान जाओ मैं आपके लिए लंका तक छोड़ने को हे प्राणनाथ हे देवी जैसा मैंने स्वतः बताया आपको ये बात कि मैं विवाहित हूँ तुम प्रस्ताव लक्ष्मण के पास लेकर के जाओ यदि वो मानते हैं तो उनसे शादी कर लो बस करो मुझे नहीं मानना मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए बोल तेरे साथ हम दोनों का स्वरूप मानो विधि ने विचार कर रखा है चंद्रमा बनाने वाले ने रवि को सवार कर रखा है आश्रय तो मुझको वनवासी सृष्टि का पूर्ण उदाह करो मैं आज्ञा तुमको देती हूँ मुझसे गंधर्व विवाह करो हे देवी हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं और एक नारी व्रत रखते हैं अपनी को छोड़
और सबको माता या बहन समझ ले। हे देवी, अतएव तुम्हारी यह आज्ञा पालन कर सकते कभी नहीं, हमारे पुरुष हैं आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। ठीक है प्रभु। हे लक्ष्मण, हे लखन लाल, मुझे देख दे क्यों मंद मंद तुम हंसते हो, ये तो ब्याहे है परंतु तुम कुवारे अब भी लगते हो। अच्छा, तुम भी उनकी तरह मुझे उत्तर देना, खुरखुरा नहीं तुम बने बनो मैं बनी बनो, यह भी जोड़ी कुछ बुरा नहीं। क्या कर रहे हो प्यारे, मुझसे विवाह कर लो। अरे दोस्त, जब बातें करने में तुझे क्यों लाज तनिकना आती है, मुझसे कहने से पहले तू पापिन मर क्यों नहीं जाती है। अरे जीवन में प्रथम बार हमने देखे ऐसी निर्लज लड़की, आज बड़ा अशुभ सम्मुख आई ऐसी लड़की। हे कुलंकनी पिचासनी, यदि हुआ नहीं विवाह तेरा तो अपने संरक्षक से करते कहीं ठोर तेरा, यदि विवाह हो चुका है तो जान निज पद की सेवा कर, वही आराध्य देवता है उससे ही सुख की आशा रख। क्या गंधर्व विवाह करना गुनाह है? हाय दिया, ये छोटा तो और तीखा बोलता है, वो बड़ा तो धुतकारता ही है, ये छोटा और तीखा बोलता है। लगता है मुझे कुछ युक्ति लगानी पड़ेगी, यही है जो जिसके कारण मेरा विवाह नहीं हो रहा है ना, मैं इसे ही खा जाऊंगी। हे लक्ष्मण। हाँ भैया। तुम तो वध ही को तत्पर थे, पर मैंने उचित यही समझा, संहार नारी का अबला का इस अवसर पर अनुचित समझा। हे लखन, अतएव कराया अंग भंग जिससे कुरूप हो जाए वो, फिर ऐसी अश्लील याचनाएं फिर कहीं न करने पाए।
हम उस गुरु के चेले हैं जिसने बचपन में उत्साह बढ़ाया था, बाला अवस्था के हाथों ताड़का वध कराया था। भैया वे कहते थे जो पतिता है उसका मरना ठीक है और वो जो अधर्मी है उसको पृथ्वी पे रहना ही नहीं चाहिए, चाहे वह पुरुष हो चाहे नारी। ठीक है लक्ष्मण, आगे से आवेश रोको।